देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल हैं? वाह बादशाह भाई, सर बड़े प्यारे लग रहे हैं ईमान से। अरे प्यारे तो आज ये लग रहे हैं, क्या कमाल आपने रंग पहना हुआ है सर। आज क्योंकि रंग बिरंगे मेहमान आ रहे हैं ना। नहीं मेहमान तो रंग बिरंगे आ रहे हैं, लेकिन आप आज जो वो खटे लग रहे हैं ऑरेंज की रंग। क्या बात है। नहीं सर आपकी चादर ने ना ईमान से कुआल लग रहे हो। ਇਹੋ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਰਾਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਡ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਜੇ। आप मुझे हौसला ना दे, मान को बुलाता हूँ, आप उनको सच बोलिएगा। जी सर। ओके। आप बहुत देर से फरमाइश कर रहे थे तो आखिरकार आपकी ख्वाहिश हमने पूरी कर दी है। बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को। मॉडलिंग से स्टार्ट हुआ, फिर टेलीविजन, और टेलीविजन के बाद सिनेमा, और अब वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स एंड फिल्म स्टार्स दैट वी हैव इन द कंट्री, वेदर इट्स खुदा के लिए बोल, यू विल फाइंड हर एवरीवेयर, मोहतरमा ईमान अली। माशाल्लाह जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। आज जिंदगी में पहली मरतबा मैंने शेर लिखा है सिर्फ आपके लिए। नहीं आप लिखते रहते हैं वैसे। नहीं आप खुद है ना, पहली दफा तो नहीं है। नहीं आपके लिए पहली दफा। आपके अच्छा। लिए पहली दफा। तो पहले क्यों नहीं रखा? बस उसको ऐसा समझ नहीं आया, कल काम नहीं कर रही थी। अब चल रही है अब। हां जी हल्की हल्की। प्रॉमिस। हर वक्त सोचता रहता है मेरा मन, बनना है तो ऐसा सुपरस्टार बन। कहते हैं याराने वतन के ईमान अली साहिबा, जिस तरह है पाकिस्तान की अदाकारा नंबर वन। हाय हाय, मुझे पता है वो मेरे लिए सजता है। अरे ओ, 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 ओ। मेरी याद में वो रात भर जगता है। जब भी वो मेरे साथ बैठ जाती है वासे, मुझे रक्षा भी मर्सिडीज लगता है। जी ईमान, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन हाँ। एक चीज अच्छी जो कि हमें लगी कि हमने आपको देखा है कि रिसेंटली आप कम से कम हमें दोबारा नजर आना शुरू हुई है, जो कि बहुत अरसे बीच में एक किनारा कशी इख्तियार करके बैठी हुई थी। नहीं इंटरव्यू तो दे देती हूँ। नहीं मगर आप पहले छोटा छोटा काम होता है ना, ज्यादा लंबा नहीं, मगर आपने इस साल कुछ ज्यादा इंटरव्यूज दिए और मैंने देखा। पता नहीं बुलाते रहते हैं। हाँ, मैं फनी हो गई हूँ ज्यादा। नहीं फनी नहीं, आपको बुलाते पहले भी थे, आप आती नहीं थी, मगर दिस ईयर यू हैव बीन मोर रिसेप्टिव टुवर्ड्स दैट। जी है ना, तो कोई खास वजह इस तब्दीली की? क्योंकि फिल्म रिलीज हुई। अच्छा। तो उसके साथ जो शुरू हुआ सारा आना जाना, फिर वो शुरू ही हुआ। शुरू ही हुआ। और यू एंजॉय इंटरव्यूज? गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके। और मैंने देखा कि आपके बहुत से इंटरव्यू तकरीबन लोग आप सब कुछ ही पूछ चुके हैं आपसे। अभी बहुत सारी बातें हैं। नहीं वो अगर उन्होंने नहीं पूछी तो कोई वजह थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि वो आप हर चीज के बारे में तो बात नहीं कर सकते ना, तो जो उन्होंने आपसे बातें की है, जो हमने नोट किया उसके अंदर ये था कि आप फिल्में इतनी कम क्यों करती हैं, आप तो इंटरव्यूज कम क्यों देती हैं, आप सोशल मीडिया पे कम क्यों आती हैं, वो ये तो है ना, ये दो तीन एक ही आपको हर जगह पे यही तीन सवाल मिले हैं माशाल्लाह। तो हम क्यों पीछे रहेंगे? सोशल मीडिया तो इसलिए कम यूज करती है ना कि जिधर इनका फार्म हाउस है ना उधर इंटरनेट देना सिग्नल काट देना, फिर वो सारा सिस्टम। आपने क्यों चेक किया मेरा फार्म हाउस कहाँ है? मुझे पता है ना, वो फर्स्ट पे आते ही वो जगह नहीं बता सकता। अगर ये क्या सही कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई इस तरह का मसला जिसकी वजह से? नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप क्यों सोशल मीडिया नहीं यूज कर रही? मैं बहुत सुस्त हूँ। सुस्त हैं आप? और ये कब से चल रही है सुस्त आप? जब से मैं पैदा हुई ये बीमारी मुझे तभी से है। नहीं मगर फिर भी पहले आप ऐसा नहीं होती थी? आप ये नहीं आप... वैसे एक्चुअली आल्सो माय हैंड्स डोंट वर्क सो वेल एनीमोर। ओके, सो आई वुड हैव टू हायर समवन टू डू इट फॉर मी। एंड यू डोंट वांट टू डू दैट? बिकॉज मैं वो भी तो हूँ ना, बहुत कंजूस। कंजूस नहीं है ऐसी वैसी। ये हमें नहीं पता था सर, हजे भी सुपरस्टार हो गए, ₹5 फी घंटा पैकेज लाउंदे ने। कब तस्वीर पोस्ट हुई, कहाँ गई ईमान जी, सब कुछ ये।
और वो जिस और सर मैंने आपको कितनी बार बोला कि मान जी को इधर बुलाएं लाजमी, और आपका शुक्रिया आज जिनका मैं फैन हूँ वो इधर आई हैं। बाकी सब लोगों की आप फैन नहीं वो जो पहले आ रहे थे, इतने नहीं होंगे ना, नहीं इतना नहीं जितना आपका ना, आपके आपकी हर फिल्म आपके ड्रामे, आप तो मेरी सुपरस्टार हैं। मैं ताए दा मुंडा इंग्लैंड तो आया उसको जर्सी लै गए हैं सिर्फ ताड़ी खुशी दे। मेरे को तो इंज दे आए भी नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगी इनको कि कैसे लग रहे हैं या अपने ये हैं प्यारे वैसे? नहीं हैं ही नहीं, मगर मैंने कहा था ना कि ये जर्सी खट्टा रंग पहना है, खट्टा रंग पहना है मुझे, खट्टे रंग मुझे पर्सनली खुद पहनने पसंद है। बस तुसी जान लगे फिर मेरे को ले जाना जी, अब भी नहीं आप ना आए थे। सर आज मैं 6 महीने बाद ना आया तो हम आपको यार ऐवें ना करो उनको, जो आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं जी मैं उनको देख रही थी। किन कौन से वाले है जी साढ़े इलाके इलेक्शन ते खलोते वोट लेने आए नहीं ये तो बाहर बाजा बजा रहे थे, ये देखिए उनका जो काम है वो वही करेंगे ना। आपको म्यूजिक का शौक है? कभी था काफी ज्यादा। कभी था और क्या? नहीं गाने क्या मतलब गाने वाली थी आपको गाना वगैरह? हाँ, हाँ। ओह तो फिर why did you drop that? I just didn't think I was good enough। अच्छा मैं अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ तो उतनी मैं अच्छी नहीं हो रही थी। जब तक मैं सज्जाद अली जितना अच्छा नहीं गाना शुरू कर देती ना मैं। सज्जाद साहब आपको पसंद है सिंगर? किसको नहीं पसंद होंगे? दो एक लड़के हैं हमारे पास जो के कह रहे थे कि हमें नहीं वो नहीं पसंद, हमें कोई और पसंद है। ओ अस्पताल दाखिल भी देना ऐसी बातें नहीं करते। नहीं मगर आप सज्जाद अली साहब की फैन हैं ऐसी वैसे। अगर मुझे एक बात बताएं वैसे कि आपने इनकी फिल्म देखी अभी रिसेंटली, साल फिल्म रिलीज हुई थी टच बटन? मैंने टच बटन नहीं देखी, मैंने बोल देखी थी जिसकी वजह से मैं इनका फैन हुआ था। तो उसके बाद आपने खुदा के लिए क्यों नहीं देखी? खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मुझे ये बताया, मैंने पिछले दिनों कहीं एक इंटरव्यू खलील रहमान कमर साहब का सुना, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि उन्होंने नदीम बेग को कहा कि ईमान को एक फिल्म में नहीं रखना। हाँ, उसके बाद फिर जब 3 दिन पहले मैं छोड़ के चली, उसके बाद नदीम बेग साहब ये कहते हैं कि उन्होंने आपको कहा था कि आप ये फिल्म ना करें, कोई इस तरह की एडवाइस की थी कोई इस तरह की? नदीम ऐसा नहीं कहता। और आपने खुद छोड़ी थी फिल्म जी 3 दिन पहले शूटिंग से? अच्छा और कोई खास वजह थी छोड़ने की? मुझे वो स्क्रिप्ट ही पसंद आया था। तो ये आपको 3 दिन पहले एहसास कैसे हुआ? हम रीडिंग्स कर रहे थे तो मुझे और ज्यादा, मैंने कहा ये थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं, तो उन्हें नहीं करने दिया कि नहीं जी हजरत खलील रहमान का हम एक लफ्ज इधर से उधर नहीं कर सकते। अच्छा सो दैट वाज। तो फिर इवेंचुअली 3 दिन पहले आपने कह दिया कि मेरी तरफ ना, मैंने कहा अच्छा भी किसी और को ले ले। ठीक है और उन्होंने फिर इवेंचुअली किया था, तो ये आपने क्लियर कर दिया कि आपकी जो वर्जन है वो आपके मुताबिक सही obviously. है। ठीक है ऑब्वियसली थी, मगर ये काफी ज्यादा आपके साथ होता रहा है कि आप छोड़ देती हूँ एक सेकंड पे। हाँ, एंड पे छोड़ने की बहुत लंबी आदत है। फिल्म में बदतमीजी कर रहा है ये। तुसी ऑर्डर लाओ मैं नाल सोटी भी लेके आया। बात रही आप, मैंने आपको कहा था गन लेके आना। ओए इतनी महंगाई में नहीं अफोर्ड होती अब गन। कल फिल्म आज अगर अच्छे पैसे मिलते हैं वैसे भाई तुसी सानू कदों दा छड़ जाना सी। ईमान क्या ख्याल है, यहाँ पर एक ऑडियंस से सवाल भी ले लें? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सईद अब्दुल्ला। आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन। मैम आप हमें बहुत कम नजर आती हैं, तो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है जिस पे आप हमें नजर आएंगी? मेरी अभी एक फिल्म होनी थी बट वो मिस हो गया, राफे राजदी की फिल्म जो आ रही है, बट आई वाज बिजी, आई हैड टू ट्रैवल टू टर्की टू डू माय टीवीसी, तो वो थोड़ा डेट्स का मसला आ गया। मैं ज्यादा देर बिजी हो गई उनके काम में। ईमान आप इतनी सक्सेसफुल मॉडल है, इतनी बड़ी सुपरस्टार है, आने वाले यंग टैलेंट को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, क्या डूज और क्या डोंट्स हैं? उनको आइडिया तो होगा ही कि डोंट्स क्या होते हैं, आई होप। एक होते हैं आपके पास हाँ। चलें। वो काम करें, काम करें, डोंट्स ना करें। डोंट्स ना करें, काम करें। ईमान अभी तक के को एक्टर्स में से सबसे फेवरेट को एक्टर कौन से रहे आपके? फरहान हैज बीन माय फेवरेट को एक्टर, लेकिन एक्ट्रेस मुझे और पसंद और भी है, जैसा कि शान फॉर एज अ फिल्म एक्टर काफी पसंद है, लेकिन उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया। खुदा के लिए मैं थे ही, एक सीन था। हाँ मगर थे तो सही ना। हाँ तो मैंने नोटिस नहीं किया था। सवाल के साथ ही काम था ज्यादा, और मुझे हुमायूं बड़ा पसंद है, उनके साथ भी काम नहीं किया।
जो जो पसंद है आपको, आप उनके साथ काम नहीं करती हैं। करना था बस हो नहीं पाया, जो भी वजह हुई इंशाल्लाह अगले जो भी काम कर रहे होंगे अगर वो वाले राइटर ना हो ना जी, तो आई रियली वांट टू वर्क विद हिम एंड नदीम बोथ। नदीम के साथ आई रियली रियली लाइक नदीम एंड आई रियली रियली लाइक हुमायूं। हुमायूं ठीक है। और वासिम भाई आप हो गए, शान साहब हो गए, और कोई नाम बताएं। क्या हो गया, कुछ और बात करते हैं, अब याद करने पड़ेंगे। नुमान एजाज, नुमान एजाज, नुमान एजाज, उनके साथ आपने काम किए? हाँ, एमी एक वो था काफी देर पहले, एमी को एक था, एमी क्या था, एक प्ले था। इमान आपने फहद मुस्तफा के साथ काम किया था, उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? गुड क्वेश्चन। हाँ जी, अब आपने कुछ और करना है। जी इमान, आपने बहुत सिलेक्टेड ड्रामास किए हैं, पर कोई ऐसा स्क्रिप्ट जो आपको लगा कि वो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं? वो कर सकती थी, आई विश आई डन दैट अगेन, द सेम राइटर नदीम का था। कौन वो, कौन सा भी नाम नहीं याद आ रहा है? यार वो जो एक हुमायूं ड्रामा था और मैविस का दिल लगी, वो तो फैजा फिल्म का था। हाँ, आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट। अच्छा, वो पर वो इतनी गर्मी में हो रहा था, तो सर्दियों में आप प्रेफर करती हैं काम करना? नहीं कुछ भी नहीं, मैं जे फॉल में और स्प्रिंग में काम करना पसंद। और कोई शहर भी मखसूस है कि किन इलाकों में आप काम करना चाहती हैं? नहीं नहीं वो नहीं है, सिर्फ फॉल और स्प्रिंग, क्योंकि फिर इफ आई डू इट एंड इफ आई एम अनएबल टू डू अ गुड जॉब तो फिर क्या मतलब करने का ही नहीं है। आपने कहीं ये भी कहा था कि आपको स्क्रिप्ट ही अच्छे नहीं मिलते हैं, इसलिए आप काम नहीं करते? नहीं, अच्छे मिल जाते हैं स्क्रिप्ट, मुझे अभी तक याद है ना, दिल लगी का, दिल लगी का याद है, बहुत अच्छा है। नहीं, एक और भी था इन्हीं राइटर का, फायजा इफ्तिखार। नहीं नहीं, जिनके साथ मैं काम नहीं करना चाहती। उनका नाम है खलीलुर रहमान कमर। अच्छा हाँ, आपको बड़ा याद है, मुझे नहीं याद। हमें तो याद, हमने तो अपने दिल पे लिखा। अच्छा, क्या लगता है टेलीविजन पे काम करना या फिल्म में? फिल्म। आप मॉडलिंग डेज को मिस करती हैं अपने या नहीं कभी? नॉट मच, आई मीन आई स्टिल मॉडल इन द मिडल, कभी कभी जो वॉक करती हूँ। हाँ, अभी आऊंगी, अभी कर रही हूँ। जिस जमाने में आपने की हुई है मॉडलिंग, इट यूज्ड टू बी अ वेरी यू नो, एक बड़ा एक एफर्ट होता था और फिर प्रॉपर शूट प्लान होता था और everything. अब आप देखती हैं यू नो एवरीवन इज अ मॉडल बिकॉज फ्रेंकली हाँ, क्योंकि आप जब इंस्टाग्राम वगैरह खोलते हैं और ये एप्स खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि हर फोन में एक बेहतरीन किस्म की फीचर्स हैं, उसके अंदर वो फिल्टर्स लगे हुए हैं, अब तो मेकअप भी कर देते हैं ना जाने क्या क्या, एवरीवन इज लुकिंग गुड फ्रैंकली। मुझे लगता नहीं, उन तस्वीरों में नहीं, नहीं उन तस्वीरों में भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं लोग। अब आप आज से कोई 10-20 साल पहले जाके कैमरे याद करें, वो हमारी यही तस्वीरें आया करती थी, मगर अच्छा। अब तो बड़ी अच्छी अच्छी आती हैं, तो डोंट यू थिंक ये बड़ा ईजी हो गया सब कुछ? हाँ, लेकिन नहीं, जो प्रॉपर शूट्स वगैरह होते हैं वो जब आप देखते हैं तो सब पता चल जाता है किस तरह से नाक के गए थे, ऐसे भी इंजेक्शन लग गया हुआ है इंजेक्शंस के आप खिलाफ हैं? नकलीपन से प्रॉब्लम है, मेकअप तो मैंने किया हुआ है फिर ठीक है, रेड लिपस्टिक लगाई हुई है, लेकिन हाँ वो ना कभी ऐसे इधर से मोटा हो जाता है लिप्स, कभी इधर से बैलेंस नहीं हो पाता, मुझे नहीं पसंद। उसका मसला शायद डॉक्टर के साथ साथ हो, आप पूरी साइंस को क्यों रद्द कर रही हैं? नहीं, मुझे वैसे ही जरा ना ऐसे अल्लाह मियां की बनाई हुई चीज के साथ ना ही छेड़छाड़ कराए। अच्छा, बहुत अच्छे, कैसे सुन लिया तुमने? देख लो, ऐसी सही करा सकते नहीं, छेड़छाड़ की। खुद प्रेफर कैसी फिल्में करना करती? अच्छी वाली। जैसे वासे भाई ने 3-4 फिल्में लिखी, उनमें से आपको कोई पसंद आई? जवानी फिर नहीं आनी, जवानी बर्बाद होगी, जवानी का बेड़ा गर्क हो गया, ये 3-4 उन्होंने मसला ये था, इन्होंने जवानों से कराई नहीं। वेलकम बैक टू गपशप। ये बताइए, वैसे आप खुद प्रेफर कैसी फिल्में करना करती हैं? अच्छी वाली। जैसे वासे भाई ने 3-4 फिल्में लिखी, उनमें से आपको कोई पसंद आई? जवानी फिर नहीं आनी, जवानी बर्बाद होगी, जवानी का बेड़ा गर्क हो गया, ये 3-4 उन्होंने मसला ये था, इन्होंने जवानों से कराई नहीं। मगर अच्छी फिल्में आप करना चाहती हैं जी, और अच्छी फिल्में कौन सी होती हैं? अब आप लिख लेना। नहीं, मेरे मतलब जानना चाह रहा हूं इसलिए कि मैं उसके मुताबिक फिर कोशिश करूं। गुड स्क्रिप्ट आपने लिखा। ओके, एंड मतलब कॉमेडी, आई वांट टू डू कॉमेडी एक्चुअली। अच्छा, एंड आई वुड लव टू डू एक्शन। ओके, तो वो मैं कर सकती हूँ फिल्म में, क्योंकि एक दिन में एक या दो सीन होते हैं, दैट्स इजीयर। एक्शन करना चाहती हैं आप? या
I love guns. Guns? आप चलाती हैं आपने? हाँ, पापा की भी इतनी सारी थी. अच्छा. और है, मैंने अपने पास छुपा के रखी हुई है. बहुत आपने जबरदस्त छुपाई है जो आपने टीवी पे बताया. मामा को ही पता भी नहीं. और अच्छी बात यह है कि वो कह रही है मामा को नहीं पता. तो यकीनन मामा के घर पे टीवी नहीं है. नहीं, लेकिन ढूंढ नहीं सकती है ना. तो आप आंटी अगर ढूंढ रही हो कि आबिद अली साहब की वो गन्स किधर गई, तो आज आपको पता चल गया कि वो किसके पास पड़ी हुई है. स्टार ने, जिन्होंने हजे भी गन्स रखी हुई है, ए भी अपने आप नूं स्टार कहिंदे ते एट दा लाइसेंस बनाया. आप शूट वगैरह भी कर लेते? या आई एम वेरी गुड. मैंने एक इंटरव्यू में किया था, नदीम था मेरे साथ. नहीं नहीं, ये फ्रेंड है, इसको नहीं मारूंगी, डोंट वरी. अच्छा. वो अपनी निदा यासिर का गीत का शो था, तो उसके अंदर ना हम सब ने उसमें गुब्बारे जो लगे होते हैं, और एंड पे मैं और नदीम. हाँ, तो मतलब वो तो पता चल गया ना कि मैं और एम आप सही कर लेती हैं. परफेक्ट. तो आपके हस्बैंड को पता है कि आपके पास गन्स ये तमाम पड़ी हुई हैं घर में? हाँ, वो पता है उसको. मेरे ससुर के पास भी है. उनके पास भी है. तो मैं उनसे बात कर रही थी, बाबर भी वहीं बैठा हुआ था. ही इज अगेंस्ट गन्स. उनसे मैं कही थी आपकी जो है वो मुझे दे दे एक दो. नहीं, ये इंटरेस्टिंग है कि आपको गन्स का शौक है और आप एक्शन फिल्म करना चाहती है. तो जो कॉमेडी और एक्शन, कॉमेडी और एक्शन, एक्शन अलग अलग कर लें, एक ही में डाल दें. जिस तरह तीफा एंड ट्रबल भी थी, एक्शन कॉमेडी. यस यस, दैट वाज गुड. हां, तो बट उसके अंदर लड़की से एक्शन ही कराया. हां, मैंने एक लिखी हुई एक्शन. एक्शन आपने लिखी हुई है फिल्म? हां, आपने खुद ही लिखी है वो. ये तो एहसन रहीम साहब जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, वो अगर देख रहे हो, अक्सर बात करते रहते हैं हम लोग कि उनको एक्शन फिल्म में क्या स्क्रिप्ट चाहिए, तो ईमान के पास मौजूद है और उसके अंदर एक्शन भी भरपूर होगा. लेकिन उसके अंदर कॉमेडी नहीं है. कॉमेडी चले नहीं है वो, खैर कोई मसला नहीं है सर, एक्शन कर लेंगे सिर्फ. सर सुपरस्टार ना कि स्क्रिप्ट तैयार कर दे रहे, नया चीजें होनी चाहिए, लिखना चाहिए बंदे ने जिन्ना लिया जाता है. मगर लेकिन उसके लिए पढ़ना भी जरूरी होता है. आपको है शौक रीडिंग आइडियाज? व्हाट आर यू रीडिंग दीस डेज? अलिफ शफ़क. हां, उसकी वो 12 minutes and something. Yeah, this girl has died and now she's. और ये आपको हमेशा से था ईमान शौक रीडिंग का? ऑब्वियसली, ऑलवेज. अच्छा, कौन नहीं पढ़ना चाहता? कौन नहीं? स्कूल की बुक्स नहीं, वो मुझे नहीं पसंद पढ़ना. तो बहुत होती है तो नहीं करती रीडिंग. अच्छा. अब तो खैर नई जनरेशन में बहुत ज्यादा फोन से टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए people are more into their phones as compared to reading books. है एक phenomena आजकल. और एक और पढ़ी हुई है एलिफ की, वो शुरू करने है उसको खत्म करके पहले. मेरा नाम खिजरा जावेद है और मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने सुना है कि आपको अक्सर बॉलीवुड मूवीज से ऑफर आ रही हैं, लेकिन आपने वहाँ पर काम क्यों नहीं किया अभी तक? नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो कोई भी नजर नहीं आता बॉलीवुड में काम करता. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरियाद हनीफ है और मेरा क्वेश्चन ईमान मैम आपसे ये है कि क्या कोई ऐसा एक्टर या कोस्टार है जिनके साथ आप दोबारा से प्रोजेक्ट नहीं करना चाहेंगे? कौन हो सकता है ऐसा? मैं जवाब दूं कि नहीं? प्लीज, खुदा के लिए. हाँ जी, है ऐसे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती. No. अच्छा. मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, काम क्या करूंगी? नहीं, चलो ठीक है, आप नाम ना लीजिए, हम वैसे अपने तौर पे गेस कर लेते हैं. जेंट्स वैरायटी है कि लेडीज वैरायटी? दैट्स अ गुड स्टार्ट. कि जेंट्स वैरायटी है कि लेडीज वैरायटी है? हां प्लीज, जेंट्स वैरायटी है. ठीक है, जेंट्स वैरायटी है. क्या उनका नाम फे से शुरू होता है? हाँ. उनका नाम फे से शुरू होता है? दो फे है. दो फे है? दो लोग हैं. अच्छा, जो दो लोग हैं. ओ, हाँ. ये आपने हमें अच्छा बता दिया, एक नहीं है, दो लोग हैं जो हम एक समझ रहे थे. अब हम दो समझ गए. और उनमें से मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? एक फे की, उनका नाम फे से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन वो फवाद नहीं है. मजीद आसानी की इन्होंने. अच्छा, क्या वो आपके साथ फिल्म कर चुके हुए हैं? दोनों ही. दोनों ही, ठीक है. क्या वो बहुत एंग्री रहते हैं? हाँ. क्या एक फे तो रहता है बहुत? हाँ, हाँ, वही मैं एक का कर रहा हूँ, माशाल्लाह दो से मेरी मदद कर रही हैं. क्या एक फे का जो सरनेम है वो के से शुरू होता है? मतलब एक का. हाँ, ओके. वो जरा ज्यादा शोके हैं, नहीं दूसरा फे भी कुछ शोका है. उनका नाम है फहद खान. फहद. सही किया. हाँ. दोनों को मिक्स कर दिया ना. किन दोनों को? सर मुझे दोनों नाम पता चल गए. ये क्या नाम है? फरोज खान. अच्छा, फहद मुस्तफा.
मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने एक बहुत ही मासूमाना तरीके से गेस्ट किया। बहुत मासूम है आप। देखिए, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, मैंने सिर्फ अल्फाबेट्स की सहारा लिया था, मगर आपने खुद मेरी हर स्टेप पे मदद की और आप बताती चली गई कि कौन कौन क्या कहे, तो आपको जवाब मिल गया। सर मेरा कोई इंतजाम करो यार, दगी गया तो फिर सही गल करना यार, माफ करो सर, मेरा कोई इंतजाम करो, मैं जॉब करनी है सर। क्या हुआ सर, ऐसी फरमाइश कर फरमाइश की है, यकीन करो जिंदगी में जो बंदा पूरी नहीं कर सकता। क्यों? कह लगे जी अंदरून लाहौर मैंने देखना है। अच्छा, अब अंदरून लाहौर आपको पता है छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे घर हैं, और साथ के साथ घर मिले हुए हैं। आखिर मजबूर होके ले गया हूँ मैं, क्या आओ फिर। अच्छा, अब वो बंग सी गली है, उसके अंदर घुसे हैं, तीसरे कदम पर फंस गए। मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती क्यों नहीं? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੰਧਾ ਕਹੀਂ ਲਗਾ ਇਨਕੋ, ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਉਨਕੇ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਸਰ 7,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਮੁਝਸੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੈਸ਼ ਥਾ, ਮੈਨੇ 7,000 ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। ਅਬ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਛਤੋਂ ਸੇ ਚਲਤੇ ਹੈਂ। एक छत पे पहला पांव रखा है, हाँ। पांव सारा ही अंदर चला गया। सर यहां तक जाके फंस गया। लम यकुन मा खुताई, अरे खुताई माफी। कहना मेरी गलती नहीं है। आई वो कहता मेरी जोर दिखी रखन दी। आज अभी दौर कमजोर। कहना वो छत कमजोर सी, माशाल्लाह। सर जी वो सिर्फ इनका ये पांव निकालते निकालते सारी छत उधेड़नी पड़ी। सर जी उन्होंने 1,30,000 रुपए मांग लिए, उनके जी नहीं डलवानी पड़ेगी। वहां से चले, वो आपको पता वो घाटी सी है जी जी, उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते अचानक कहीं स्लिप हुए हैं। वहां से जो वापसी आए हैं तो तुम पता मोटरसाइकिल उन्होंने खिला रहे हैं, 11 मोटरसाइकिल ले गए। सर किसी का स्टैंड टूट गया, किसी का टायर विंगा हो गया। पैसे दिते ने अखीर जी, कहना मैं फिर भुख लगी, मैं चढ़ाई चढ़ी। सर जी लै गया पावे की दुकान, तुम पता तो बड़ी मशहूर जी जी, 40 नान ते 72 पावे खा गए ने सर। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ। ਆ ਦਾ ਕਾਸਿਬੁਲ, ਹਾ ਦਾ ਕਾਸਿਬੁਲ ਯਾ ਸ਼ੌਤਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ ਸਨ? 70 ਖਾਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ 70 ਪਾਵੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, 16 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 32,000 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ। ਐ ਵਾ ਹਾਜ਼ਾ ਲਕਤ ਕੁਮ ਤਤ ਮੁਤਾਬਨ ਅਰ ਨੁਮ ਤੋ ਸ਼ੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੌਂਗੇ। ਅਲ ਸਭੀ ਵਾਹਿ ਸ਼ੇ ਫਾਲਤੂ ਮਾਫੀ ਕਲਨ ਕਿਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਨ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਠੇ ਸੌ। हालात ऐसे अजीब हो गए ने कि जी मेरे नाल, हालांकि मैं पुलिस अफसर हां, मेरे नाल हाथ हो गया। अच्छा, आप परसों मैं फोन आया मुजफ्फरगढ़ तो, मेरा जेड़ा मामे दा मुंडा ना जी, हां ओदी कुड़ी दी शादी सी। ओके, तो मैंने उस बच्ची ने स्पेशल व्हाट्सएप दे उत्ते मैसेज कीता। व्हाट्सएप के ऊपर और ते मैंने मैसेज कीता, कहंदा नाना जी तुसी जरूर आउणा। नाना जी कहंदी है ना मैनू। ओके, हां ते मैं कहे चलो जाने हैं, बच्चियां आ गईयां ने, 3 दिन ने छुट्टी ली है। हाँ। लाहौरों बस से बैठा मुजफ्फरगढ़ दी, ठीक है, लाइए जाके बस खराब हो गई, टायर पंचर हो गया। हाय हाय, अगो कंडक्टर कहंदा नाना जी टायर बदल लेंदे। ओ मैं किधर 2 मिनट नु दस पहले दसया सी कि मेरी हैगी नाना जी, मैनूं कहंदी है। ओ मैनूं गुस्सा चढ़िया ते मैं अगो पैदल ही टुर पिया।
कोई 10 कदम है, मैं 10 कदम 20 कदम अगे गया तो एक पिछू कार आई। मैंने कहते ने सर जी मुजफ्फरगढ़ का रस्ता केड़ा है। मैं क्या मैं तेन दसे तो तू भूल जाना है, मैं तेरे नाल चलना। मैं भी रामदर्दी जी की, मैं कहना पैसे बच जाएंगे। मैं तेरे नाल चलना तेन उत्थे तोड़ पहुँचा के आना। वो अं करके मैं गड्डी खोली थी, अं करके बह गया। इतने जो ड्राइवर बैठा से उन्हें एंज करके ना जी बूहा बंद किया, तो खरे उन्हें हाथ की लाया हुआ सी, बेहोश हो गया थोड़ा बिरा। सर जी कोई 1.5-2 घंटे बाद जाके आँख खुली है, ठीक है, होश आई है, तो सड़क ते पिया। वो 40,000 रुपया थे बच्ची वास्ते मैं अपनी लैके गया से, कोई कपड़े छपड़े वो भी लै गया। चलो कोई नहीं, लै गया लै जाता। वो जुतियां मेरे बूट भी ला के लै गया, और चलो जुराबा तो दोवें लै जा, एक लै गया, वो एक जुराब हूँ मैं की करा भी, मैं किसी भजन जोगा भी नहीं। वो तो फिर मैंने याद है भी दुख कि करा, तौंसा शरीफ नाल ही सी। हाँ। उस्मान बुरदार तुम्हें पता है मेरे बेस्ट फ्रेंड चले गए। उस्मान बुरदार था वो, तो मैं गया फिर मैं। हाँ। अगू जाके पता लगा सुते पे ने। ओके। मैं क्यों 3.5 साल उत्थे भी सुते रहे नहीं, फिर सुते पे। मजबूत अच्छा जगह, मजबूत हाथ ने, कोई टेंशन वाली गल नहीं, ठीक है। मैंने कहते नहीं भाई सुनाओ क्या हुआ। मैं जो होया सुन लो, ठीक है, तुहाडे इलाके च मैं क्या होया। ओके। सारा बकुआ मैं सुनाया, बोले ही नहीं। ओके। ओ मैं क्या कुछ बोलो। हाँ। कहंदे ने जे बोलना हुंदा तो मैं 3.5 साल उत्थे ना बोलदा। मैं क्या यार ये भी तो हो सकता कोई वड्डा बोल लगे आ गया होवे। इस गल तो मैं ही करके चुकया अपना रिमोट, आई करके मैं लाया ते के बोल फिल्म लगी हुई। ओ सारी फिल्म वेखी ते कुछ ज़हन मेरा रिलैक्स होया है। मैनू बुजदार साहब कहते जी हीरोइन है की ना है। हाँ। मैं क्या पूरी दुनिया च मशहूर हो मारूफ अयान अली साहबान ईमान अली साहब ने मेरी गल हो सकती है। अच्छा। मैं तुम फोन ते गल करोगे। हाँ। कहने हाँ मेनू नंबर दे। आहा। मैं नहीं नंबर दिता भला क्यों क्यों मेरे को है ही नहीं सी। जिंदगी बच जाए इन्होंने हेलो करना है उन्होंने कोई 2-3 दिन बेहोश रहना। पागल खाने वाले क्यों कट देंगे बाहर पुत्र मैं आप उतो निकलना। वो नहीं किसान कट दे determination of usman buzdar determination ka koi taluq hi nahi sun le se would you please the call of mr usman buzdar and just say the hello and then he will be behosh in 4 days nahi baji ra na koi response nahi mera nahi khayal nahi nahi now nahi mai baat acha oh no kya ho gayi yaar main dekho kaise mukhlas nahi yaar ha main hi hairan ho rahe bhi tode naal te bade acche ne behtar ne mashallah पहले एक फोटो बना लिए क्योंकि मैं उन्होंने यकीन दिलावा भी वही ने माशाल्लाह मां जी बड़ा ज़हीन अफसर है यकीन कर लो। अच्छा, अच्छा। जी हाँ जी अपने सिपाहियों कह रहा है कि मैं पुलिस मुकाबले से ना लैके जाया करो पिछली बार मैंने सट लग गए थे। बहुत बढ़िया एक बार तो डाकू इन धागे ना बन के मोबाइल खो के ल मेरी ईमानदारी सी मेरा ख्याल है फोटो भी उन्होंने भेज देने ताकि ये उनको भेज दे ताकि नहीं गल करानी चाहिए। अच्छा नहीं लगता बिल्कुल नहीं नहीं कराए ना। अच्छा जी हाँ जी क्यों जी मैं चाहती हूँ कि वो बेहोश हो जाए। कौन
कुछ दिन के लिए। 3.5 साल बेहोश रहने हो। हाँ जी चलो मैं वैसे थोड़ा मैं पैगाम मैं असल च वेख के ना जी जी हाँ जी ते तुसी ना मैडम जी जूस तो बगैर नहीं जाना। अरे यार नहीं प्लीज नहीं। अरे नहीं पता कि मैं थोड़ा फैन हैगा इस आज भी तुसी प्यार। अरे स्पॉटलाइट अच्छी आ रही है। यस पक्का हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। मेरा नाग नहीं ऐसा नहीं लग रहा। वेलकम बैक जी। इमान मोमना दुरैद प्रोडक्शन के ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं। फ्यूचर में कभी उनके साथ काम करना चाहेंगी? उन्होंने कभी मुझसे कांटेक्ट किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात नहीं बन सकी। मौसम सही नहीं था या क्या मसला था उस वाले? मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? नहीं मैं मजाक पूछ रहा हूं। यू फाइट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुस्नम नवर है। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप इंस्टाग्राम के डीएम खुद पढ़ती हैं? पढ़ लेती हूँ, कमेंट से होते हैं लेकिन आंसर नहीं करती, जवाब नहीं देती। ओके हाँ सारे नहीं ऑब्वियसली, इतने ज्यादा कमेंट्स होते हैं ये अच्छे, और ज्यादातर बदतमीजियां ही होती हैं, ज्यादातर नहीं। 60-40, 60 बैड 40 गुड। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मूसा इमरान है और मेरा क्वेश्चन मैम इमान अली से है कि मैम आप ओवरऑल सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव नजर आती हैं, उसकी क्या रीजन है? नहीं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि मेरे हैंड्स आर नॉट वर्किंग फॉर 2.5 इयर्स नाउ, सो आई डोंट हैव एनीवन वर्किंग फॉर मी ऑन दैट। फॉर दैट आपने सब लोग को टैग करना होता है एंड ऑल, वो उतना काम तो खुद ही करना पड़ता है। सो आई एम अनेबल टू, जो मेरे सुन हुए हैं ना हाथ, तो गलत अल्फाबेट अगर लग गया तो बहुत गलत बंदा टैग हो जाए। तस्वीर लगा के फवाद खान को टैग कर रही हूँ, फिरोज खान टैग हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और स्पेशली आज के बाद मतलब जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहीनाज है। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उस पर आपका क्या ओपिनियन है? बहुत दुख हो रहा है, आंसू आ रहे हैं कि क्या होने वाला था, आप समझ ही रहे होंगे क्या होने वाला था, क्या होना चाहिए था, उसके राह में इतने ज्यादा मसले डाल दिए, तो सैड। जी अस्सलाम वालेकुम ठाकर साहब, मेरा नाम चौधरी रियाज है और मैं फारग टाइम हमेशा स्टेज शो और आपके ड्रामे भी देखता हूँ, आपको भी देखता हूँ। आप माशाल्लाह माशाल्लाह इतने स्मार्ट और हैंडसम हैं, मैंने ऐसा एक्टर ना हिंदुस्तान में देखा है ना पाकिस्तान में देखा है, आज आपको स्टेज पे देख रहा हूँ। अल्लाह पाक आपकी हयाती करे, आप इतने हैंडसम हैं कि मुझे खुशी हुई है आपको देख कर। फिटनेस नहीं बीमारियाँ ही नहीं आ दीप स्विमर अलहमदिल्ला, और बचपन से तकरीबन 5वीं क्लास से स्विमिंग करता हूँ सर, और स्विमिंग जो है वो ऐसी एक्सरसाइज है जो फुल बॉडी है सर। अच्छा। इसलिए मैं हर तरह से चौकस रहता हूँ। साहब ये आखिरी बार जो आपने ऐसी हरकत की थी ना, मैं 2 दिन रिकॉर्डिंग कैंसिल कर। मैं काफी ज्यादा लड़कियों को प्रपोज भी कर चुका हूँ, इजहार भी कर चुका हूँ, इनकार ही हुआ जब भी, हर 700 तो मेरे सामने रिजेक्ट करके जा चुकी हैं। कहीं कोई गलती तो है ना, तो कैसे कहना चाहिए या कोई पहले गिफ्ट देना चाहिए? चुप रहना चाहिए। अच्छा जी मैं उस्मान बुज़दार मैं चुप ही रहूँ। लेकिन चले ठीक है चुप ही रहेंगे आगे। हाँ जी ये बातें नहीं करते, बुरी बात। अच्छा करते ही नहीं जी। हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, इसके अंदर मैं आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। हाउएवर जनरल और उसके अंदर 5000 उसके अंदर अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं शो देख के आई हूं। अच्छा जबरदस्त। हाँ फिर तो फिर आपके साथ हम स्टार्ट करते हैं। स्पॉटलाइट अच्छी आ रही है। यस पक्का हम दोनों एक जैसे लग रहे। मेरा नाग नहीं ऐसा नहीं लग रहा। तो स्टार्ट करते हैं जी। ईमान ये बताइए कि आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी एक्ट्रेस आपका कैरेक्टर करे? मैरिलिन मनरो। तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सजल अली, जारा नूर अब्बास और मावरा हुसैन। सजल।
सज्जल ठीक है, ये बताइए चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, आप किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी? ओके, ऑल दो यू वेलकम, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। नहीं नहीं, मैं आपको ऑप्शन जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ, अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। ताबिश को ले जाती हूं, ताबिश को बहुत बोलता है, ताबिश को चांद पे दुनिया को जरा सुकून मिलेगा कानों। ठीक है, ये बताइए आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, नुमान एजाज और शान। तो सेल्फी किसके साथ है? नुमान एजाज। स्माइल किनको दे रही है? हुमायूं। और फ्लोर आ गया हुआ है शान साहब का? हाँ ठीक है, उनका वैसे भी फ्लोर आ चुका है। ओके, बहुत देर हो गई है। थोड़ी देर पहले पसंद सन? नहीं तो पसंद है तो मतलब बर्दाश्त ही करते रहे। ये बताइए कि आप मोटर बाइक चला लेती हैं? नहीं नहीं, तुसी की दही मंगाना। क्या सवाल था यार, छोड़ो। गाड़ी भी ड्राइव कर लेती हैं? नहीं, गाड़ी भी नहीं, मुझे डॉक्टर भी नहीं करने देते। ओ अच्छा, मगर चले अगर डॉक्टर करने देते, इट वाज वन ऑफ दोस गुड डेज हैपनिंग। And you went for a long drive. ठीक है, and you are in a sports car. आप motorway पे जा रही हैं? मैंने Range Rover में जाना है। Range Rover में जा रही हैं? ठीक है जी, जबरदस्त मौसम है। Fall आपका favorite season. ठीक है, और आप देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगी इनमें से आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ, जनाब आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान। जरदारी को, जरदारी साहब को दे दी उन्होंने लिफ्ट। ठीक है, ये बताइए मैडम टाइटैनिक पे जा रही हैं, दो वीआईपी पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और हमजा अबासी। हमजा अबासी होंगे, ठीक है वो होंगे वो। ये बताइए इनमें से किसका ड्रामा चल रहा हो तो आप बार बार देखेंगी, किसका काम चल रहा हो तो आप एक बार देख लेंगी, और किसका काम चल रहा हो तो आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चली जाएंगी? मैं टीवी बंद कर दूंगी, ये भी ऑप्शन हो सकती है। हाँ, आप टीवी बंद कर दीजिएगा। ऑप्शंस हाँ। आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर और महवेश हयात। तो किसका काम चल रहा हो तो बार बार देखेंगी? टीवी नहीं बंद कर सकती, तीनों का, तीनों के लिए बंद कर दूंगा। नहीं, सोच रही हूँ महवेश हयात का, मैं बार 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 देख लेंगी महवेश हयात का, किसका एक बार देख लेंगी? माहिरा का। और तीसरी ऑप्शन है सबा कमर, जिसपे आपने फैसला करना है, जो भी करना है। ठीक है, ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरोज खान और फहद मुस्तफ़ा। बचाना इनमें से एक बंदे को। फहद मुस्तफ़ा को आप लाइफ जैकेट, उनसे बड़े लोगों को भी मोटर बाइक देनी है ना? दोनों ही अच्छे बंदे ने, फिरोज भाई भी, फहद भाई, तड़के उधारे पैसे तो नहीं मांग ले उन्होंने? उनकी मर्जी, उन्होंने काम किया हुआ है, उनकी अपनी जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, आपको इससे क्या? ओ सानू की यही तो ठाकर साहब ने करना सारी जिंदगी। मगर ईमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हाँ हाँ, और आप ये देखिए, आपको आज पूरे शो के दरमियान में हमें से किसी ने नहीं कहा कि आप बहुत हसीन हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, हमने जितने आपके शो देखे उसमें सब ये कहा जाता है, वो बहुत बोरिंग बात होती है ना, बोरिंग। yes, हम अच्छा करते ही नहीं है ये वाला काम, तो हमने छोड़ दिया हुआ है। कोई हसीन वसीन नहीं, साहब हमारी जैसी लगती हैं। नहीं नहीं, बस भाई फिर भी नाक का डिफरेंस। देखिए 19-20 हो ही जाती है ये। 19-20? हाँ, 11-20 जो भी है देखिए। लेकिन हमने कन्वेंशनल काम नहीं किया हमने आपके साथ, हमने बिल्कुल नहीं ऐसी कोई आपको लाइन दी। मगर नहीं मान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात दोबारा होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एवरीवन।